मुरैना जिले के केलारस में आज तहसील केलारस में पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि मध्य प्रदेश में 30-30 चुनाव में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के हक अधिकार पर कुठारघात करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17 दिसंबर को पंचायती चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की संख्याओं के अनुसार पूर्व में दिए गए आरक्षण के अनुसार ही पंचायत चुनाव सम्पन्न कराया जाए, अन्य मांगे को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आरक्षण को ओबीसी का जो आरक्षण खत्म किया है उस संबंध में आज हमने माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल के नाम से दिया है, मुख्यमंत्री के नाम से दिया है। अगर हमारी ओबीसी को बहाल नहीं किया जाता है, हमारी 27% की जो मांग है उसको अगर नहीं माना जाता है तो आगे चलकर उग्र आंदोलन होगा। ये नवयुवक मंडल अध्यक्ष, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण खत्म किया गया है और पिछड़े वर्ग को हटा करके निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली जो निर्वाचन किया जा रहा है उसके विरोध में पूरा मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग एक साथ है और पिछड़े वर्ग के जो हाल ही में कानून संशोधन कराया गया है वो किन्हीं साजिशों के तहत कराया गया है, हमारा तो माननीय उच्चतम न्यायालय से भी कहना है। साथ ही मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम आज ज्ञापन दिया है, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, समस्त ओबीसी समाज के साथ विशेष करके आज धाकड़ महासभा के अध्यक्ष एवं धाकड़ महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारियों के माध्यम से ये प्रशासन शासन को अवगत करा गया है। उचित माध्यम तहसीलदार के माध्यम से ये आवेदन दिए गए हैं कि वहां तक हमारी आवाज पहुंचे और शीघ्र जो आरक्षण का निलंबन है उसको समाप्त किया जाए, पुनः उसे बहाल करके यथावत किया जाए। मुरैना से गौरव गोड़ की रिपोर्ट।